एंड वेलकम फ्रेंड, हेल्पफुल रास्ता चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। एप्लीकेशन में बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में सब कुछ है, रेल टिकट बुकिंग से लेकर हवाई जहाज का टिकट बुकिंग सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। आपको किसी ऐप में नहीं जाना है। तो दोस्तों, इस ऐप का आज हम रिव्यू करेंगे कि क्या खासियत है इस ऐप की और क्या नुकसान है इस ऐप के। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर इंडियन रेलवे की रेल सारथी नाम की एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो IRCTC की आईडी और पासवर्ड मांगेगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पर चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, टिकटिंग इंक्वायरी, एफिलेट सर्विस और फीडबैक की। तो चारों ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टिकटिंग में जाएंगे तो रिजर्वेशन टिकट, इसमें भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। दूसरे ऑप्शन इंक्वायरी में जाता हूं और उसके बाद सीट अवेलेबिलिटी वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको इंडियन रेलवे की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, मतलब कोई खासियत नहीं है इसके अंदर। तीसरा ऑप्शन अगर मैं खोलता हूं यहां पर एफिलेट सर्विस वाला, तो यहाँ पर एयर टिकट बुकिंग वाले में भी एप्लीकेशन इंस्टॉल मांग रहा है, मतलब कि सारे ऑप्शन में आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करनी ही करनी है। ये इंडियन रेलवे की तरफ से एप्लीकेशन है दोस्तों। फीडबैक वाले ऑप्शन में भी जाएंगे तब भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये इंडियन रेलवे ने क्यों इस एप्लीकेशन को बनाया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इस एप्लीकेशन में इंडियन रेलवे की सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। तो मेरे समझ से बहुत खास नहीं है ये, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाओ है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।